भारत को लेकर अमेरिका एक के बाद एक बड़ा कदम उठाकर रूस को तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने न सिर्फ रूस बल्कि चीन की नींद उड़ा दी भारत पर बड़ा ऐलान करके। दरअसल अमेरिकी संसद ने भारत को बड़ा ऑफर दिया नाटो प्लस में शामिल होने का, जिसके बाद चीन की तो मानो नींद ही उड़ गई। अमेरिका ने चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए नाटो प्लस को बनाया है और अब भारत का दुनिया में जिस तरह से कद बढ़ रहा उसे देखकर अमेरिका चाह रहा कि भारत कैसे भी नाटो प्लस देशों का हिस्सा बने। और ये ऐलान बकायदा चीन के खिलाफ बनी अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति ने की है और ये साफ कहा गया है कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। अब ये प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस की ओर से तब सामने आया जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वैसे अभी तक भारत ने इस पे कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया, लेकिन अगर भारत इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बन गया तो वो आसानी से दुनिया के इन 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। अब पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले अमेरिका का ये बड़ा खेल चीन को कांटे की तरह चुभेगा और कहीं ना कहीं भारत के लिए अमेरिका का ये बड़ा प्रस्ताव माना जा सकता है। अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएगा। बता दें अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन कमेटी ने केवल और केवल भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने के साथ साथ ताइवान की ताकत बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव पारित भी कर दिया है। बता दें कि इस कमेटी की अगुवाई करने वाले का नाम है, यानी जो प्रेसिडेंट है वो है अध्यक्ष माइक गालाघर और इनकी रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने की है। चयन समिति ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदारों के साथ साथ संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में CPC की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नाटो प्लस में अभी 5 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और दक्षिण कोरिया। नाटो देशों के साथ मिलकर ये 5 सदस्य देश दुनिया में सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं। खैर अब ये दिख रहा कि रूस पर कूटनीतिक तरीके से जोरदार चोट करने के बाद अब अमेरिका के नेतृत्व वाले यूरोपीय सैन्य संगठन नाटो ने चीन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब नाटो देश एशिया में जापान के अंदर अपना कार्यालय खोलने जा रहा। अब देखना ये होगा कि क्या भारत नाटो प्लस में शामिल होगा या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।